खबर है संत कबीर नगर से। बघौली ब्लॉक मुख्यालय पर हंगामा देखने को मिला। ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय पर ताला लगा दिया। दरअसल मामला है वीडियो के ट्रांसफर से नाराज होने का। ग्राम प्रधान नाराज है क्योंकि वीडियो का ट्रांसफर हो रहा है। एक वित्तीय सत्र में 5 वीडियो के तबादले से नाराजगी है। ग्राम प्रधानों ने वीडियो के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग की है। एक वित्तीय सत्र के अंदर 5 बार वीडियो बदले गए हैं और यही वजह है कि ग्राम प्रधान नाराज हैं, गुस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसफर रद्द किया जाना चाहिए। और देखिए, इसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। वीडियो के तबादले पर ग्राम प्रधानों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। बघौली ब्लॉक मुख्यालय पर ताला जड़कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ग्राम प्रधान नजर आए। वीडियो के ट्रांसफर से नाराजगी ग्राम प्रधानों में। उनका कहना है कि एक वित्तीय सत्र के अंदर 5 बार वीडियो बदले, 5 बार वीडियो के ट्रांसफर हुए और इस ट्रांसफर को रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग है ग्राम प्रधानों की। और इसी को लेकर देखिए, वीडियो मुख्यालय पर पहले ताला जड़ा, उसके बाद अपनी बात रखते हुए हंगामा करते हुए प्रदर्शन के जरिए नारेबाजी करते हुए ये ग्राम प्रधान है जो नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से है। पुलिस चौकी के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। कल्याणपुर क्षेत्र में पनकी रोड चौकी के पास शव बरामद हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी है। पुलिस चौकी के पास शव का बरामद होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। आखिर कौन वो व्यक्ति जिसने इस अपराध को किया, उसके बाद शव को पुलिस चौकी के पास छोड़कर फरार हो गया? क्या पुलिस प्रशासन का, क्या खाकी वर्दी का, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं? सवाल ये भी। कल करीब दोपहर के वक्त ये हादसा हुआ है जो सामने आया है, जब शव बरामद किया गया पुलिस चौकी के पास ही। संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक का शव मिला है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पनकी रोड चौकी के पास ये शव बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर रही है इस पूरे मामले की। देखिए, कानपुर की तस्वीरें हैं। पुलिस चौकी के पास शव मिलने से हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह शव जहां से मिला है वहां के बिल्कुल पास पुलिस चौकी है। और अब खबर है वाराणसी से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जब यात्रा पांडेपुर चौराहे पर पहुंची तो वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमासान देखने को मिला। और बताया जा रहा है कि पांडेपुर स्थित मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की करने लगे। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ विवाद था माल्यार्पण को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा में कैसे भिड़ रहे हैं उसकी तस्वीरें देखिए आप। यात्रा में आपस में ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि जो ये कार्यकर्ता हैं ये आपस में धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में देखिए, दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर परीक्षित गढ़ क्षेत्र के अहमदनगर बढ़ला इलाके में दो गुटों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच होने के बाद ही कुछ फैसला सुनाएगी। वायरल वीडियो की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, कार्रवाई इस मामले पर चल रही है। ये वो वीडियो है जो सामने आया है। दो पक्षों के बीच पहले किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर विवाद होता है और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वीडियो कैद हुई है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ युवक पत्थर फेंकते हुए एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ से जो भी आवाजाही कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। दो पक्ष जो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल ये जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। लेकिन ये देखिए, दिन दहाड़े दिन के समय किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। दो गुट कुछ युवक एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते से गुजरने वाले जानवरों के लिए देखिए कितनी बड़ी मुसीबत, आवाजाही करने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।